नमस्कार, आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष गौतम। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं एक युवा जो कि चंडीगढ़ से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो किन मुद्दों को लेकर लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। सर, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। थैंक यू सर। सर, आप इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव? सबसे पहले जो मैं कहना चाहूंगा, युवाओं को आगे आना चाहिए। देखो, जब से हम आजाद हुए, हिंदुस्तान आजाद हुआ, सब कुछ बदल गया। आप देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर बदल गया। पहले क्या था, लोग हाथों से काम करते थे, आज मशीनों का युग आ गया। एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहा, पहले लोग 10th तक प्लस टू करते थे, आज की डेट में पोस्ट ग्रेजुएट मिनिमम क्वालिफिकेशन है। ठीक है, फिर आप कोई और सेक्टर देखो, बिजनेस देखो, बिजनेस में क्या छोटे छोटे बिजनेस होते थे, आज बड़े बड़े बिजनेस होने लग पड़े। इट मीन्स टाइम के साथ जब से हम आजाद हुए, सब कुछ चेंज हो गया हमारे एनवायरमेंट में। सिर्फ एक राजनीति ऐसी है, वो चेंज नहीं, वो बड़े बड़े लीडर हमारे मन में ही है, सिर्फ बड़ी बड़ी पार्टियां भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकती हैं। बट मेरा ये बिलीव है, मेरी एजुकेशन ने मेरे को ऐसा दिया है कि हम सब बराबर हैं। अगर हमारे मन में है कुछ करने का, कुछ देश को दिखाने के लिए भी, हाँ हम भी कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको अपने आप को लिमिट नहीं करना चाहिए। अगर आप में आपके अंदर पैशन है, जुनून है, आप कुछ भी कर सकते हो, आप आगे तो बढ़ो ना। हम क्या करते हैं, हम सिस्टम को क्रिटिसाइज करते हैं कि उस पार्टी ने ये नहीं किया, उस पार्टी ने वो नहीं किया, लेकिन हमारी इंडिया में ये प्रॉब्लम है, कोई यंग लीडर या कोई भी कह लो, आगे कोई नहीं आता, सिर्फ हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। सो मेरी ये सोच है, हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज मत करें, आगे आए, युवा आगे बढ़ेंगे, देश का दो ही सुधार हो सकता है। पुराने लीडर आपको पता वोट ले लेते हैं, 4-4.5 साल हमें दिखते भी नहीं है, फिर एंड में आते हैं, पैसा लगा के फिर जीत जाते हैं। पर मैं ये कहता हूँ, जनता के पास भी क्या होता है, वो भी अपनी जगह सही है, उनके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। वहां पे उनको दिखता है ये 2-3 पार्टियां मेन है, इन्हीं को वोट डाल दो, क्योंकि उन्होंने भी डेमोक्रेसी को सस्टेन करना है। लेकिन इसीलिए मैंने इनिशिएटिव लिया कि हम आगे आए, युवा आगे आए। मैं युवा को मैसेज भी देना चाहता हूँ कि अगली बार जो इलेक्शन हो, मैं चाहता हूँ मेरे जैसे यंगस्टर और आगे बढ़े और एक युवा ही काम कर सकते हैं देश के। तो इस बार चुनाव लड़ने का मन क्यों हुआ, इससे पहले भी तो चुनाव हुआ करते थे? इससे पहले आप कह लो, मेरी फैमिली में कोई नहीं है, मेरे फ्रेंड सर्कल में भी कोई नहीं है जिसने चुनाव लड़ा हो। बस ये मेरी एजुकेशन कह लो या मैंने सिस्टम में जो खामियां देखी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है जिस बात से मेरे को बहुत ही दुख होता है, वो ये है, मैं ये देखता हूँ जो आज का यूथ है, वो देखो साहब बाहर जा रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कैनेडा जा रहा है, यूएसए जा रहा है। रीजन क्या है, उसको लगता है हमारे सिस्टम में खामी है। सो मैं इसीलिए आ गया हूँ कि मैं उनको एक ऐसा सिस्टम प्रोवाइड कर सकूँ, हम यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना सकें, उनको भी लगे हाँ हम यहाँ पे रह सकते हैं। और देखो ना सर, अगर वो यहाँ पे रहेंगे, हमारा बिजनेस कितना बढ़ेगा। देखो, हमारे कपड़े बिकेंगे, हमारे जूते बिकेंगे, हमारे खाने पीने वाली आइटम बिकेगी, हमारे व्यापार में तरक्की होगी, हर बंदे के पास भी पैसा आएगा, हर की तरक्की होगी। सो मैं इसी सोच के साथ भी एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाई, यूथ यहाँ पे रहे। जाने को मैं भी बाहर जा सकता था, मेरे फ्रेंड्स हैं बाहर, लेकिन बाहर गए हुए, लेकिन मैं नहीं जाना चाहता, मैं यहीं पे रहूंगा और इस सिस्टम को सुधार के रहूंगा। तो आपने चुनाव चुन रखा है बल्लेबाजी क्यों सर? बल्लेबाज सर यही है, जो पुराने लीडर हैं इनके छक्के छुड़ाने का टाइम है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर कोई युवा आगे आएगा, मेरे जैसे लोग हमारे साथ हमारी टीम बनेगी, तो इनको सिस्टम से बाहर करेंगे ताकि युवाओं को भी मौका मिलना चाहिए। सब बड़े बड़े पॉलिटिशियन ने इन पर कब्जा किया। तो इस बार चुनाव में आपका कितना खर्चा आया और अभी तक आप कितनी एरिया कवर कर चुके हैं? खर्चे का तो सर ऐसे है, अपने लेवल पे कर रहा हूँ मैं, तो खर्चा तो आ ही जाता है, आपको पता ही है, लेकिन मैं ज्यादा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास इतने सफिशियंट फंड्स नहीं है, सारा मैं खुद ही मैनेज कर रहा हूँ। और ऑलमोस्ट जहाँ जहाँ मैंने चंडीगढ़ में कवर किया है, थोड़े विलेजेस में मैं नहीं जा पाया, टाइम की थोड़ी कमी थी, पैसों की भी कमी है, तो इसलिए मैंने ऑलमोस्ट चंडीगढ़ की मार्केट्स कवर कर ली है। कुछ युवाओं के साथ मेरा सपोर्ट आ रहा है, तो उस तरह से मैं धीरे धीरे आगे जाऊँ। चुनाव प्रचार में कितने युवा आपके साथ आए और कितने लोग मिलकर आपके साथ चुनाव प्रचार में लगे? चुनाव में सर मेरे साथ हमेशा 2 या 3 जने हैं फिलहाल, और मैं अगली बार प्रॉपर टीम बना के काम करूंगा। इस बार मेरे को इतनी नॉलेज नहीं थी, तो इसलिए अभी मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सपीरियंस आ गया हूँ। अब मैंने काफी कुछ
काफी कुछ चीजें सीख ली है, और अगली बार प्रॉपर टीम के साथ काम करूंगा और बेहतर रिजल्ट आएंगे, इस बात की मेरे को गारंटी है। क्यों? क्योंकि जनता से मेरे को बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, हर कोई मोरली अप भी कर रहा है मेरा, पर ये भी हर कोई कह रहा है कि यंगस्टर को आगे आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, बहुत अच्छी मोटिवेशन मिलती है मुझे। तो अगर आप चुनाव जीतते हैं तो किन चीजों को आप प्राथमिकता देंगे? सबसे पहले तो सर मैं युवाओं को अच्छी फैसिलिटीज देना चाहता हूँ यहाँ पे, उनके लिए थोड़ा रोजगार का देखेंगे, उनको अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कर सकूँ ताकि वो बाहर ना जा सकें। फिर सबसे बड़ा कंसर्न है यहाँ पे एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना, पोल्यूशन फ्री करें, पेड़ पौधे लगाएं, है ना, साफ सुथरी सड़कें दें, लोगों को बिजली की कोई दिक्कत ना हो, पानी की कोई दिक्कत ना हो, सीवरेज के कनेक्शन अच्छे दें, सो मेडिकल फैसिलिटीज, सीनियर सिटीजन का ध्यान रखना, सो हर तरह से यूथ से लेके मैं सीनियर सिटीजन तक सबसे जुड़ना चाहता हूँ, उनके लिए काम करना चाहता हूँ, क्योंकि एक युवा यंग ब्लड ही आगे आगे काम कर सकता है। जो पुराने लीडर हैं वो सिर्फ कुर्सियों पर बैठे रहते हैं, उनको कुछ नहीं पता सिस्टम में क्या हो रहा है क्या नहीं, सिर्फ वोटे बटोरने का काम है उनका, और बिल्कुल आगे वो ध्यान नहीं देते, बड़े बड़े वादे कर देते हैं, होता कुछ नहीं है। तो इसी सोच के साथ पढ़ा हुआ, अगर यंग को मौका मिलेगा, यंग ही टीम आगे आएगा और काम करेगा, पुराना लीडर कोई काम नहीं करता। तो आपने अभी युवाओं की बात की, बुजुर्गों की बात की, लेकिन आज के समाज में नारियों की बात कोई नहीं करता, आपको भी पता है कि नारियों के साथ काफी कुछ गलत हो रहा है, तो उसके लिए अगर आप सत्ता में आते हैं तो क्या कुछ करेंगे? तो सबसे बड़ी जो सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी रहेगी सर, पूरे चंडीगढ़ को सीसीटीवी कैमरा के अंदर ले जाना, हर चौराहे पे सीसीटीवी कैमरा हो, ताकि उससे क्या होगा हमारी क्राइम फ्री सिटी बनेगी। तो जो महिलाओं को कहना चाहूंगा, महिलाएं के लिए कुछ ट्रेनिंग स्किल प्रोग्राम करेंगे ताकि वो भी अपनी थोड़ी सिक्योरिटी कर सके, चंडीगढ़ को और पुलिस फोर्स की जरूरत होगी, उसके लिए अरेंजमेंट करेंगे। देखो क्या हो रहा है, जो लीडर लोग हैं, आप एक गवर्नमेंट ऑफिस में जाओ, डीसी ऑफिस जाओ, या बड़े बड़े पॉलिटिशियन के घर जाओ, उसको देखो कितनी फैसिलिटीज मिल रखी है, एक पॉलिटिशियन के पीछे 20-20 गार्ड लगे। मैं क्या मानता हूँ, वहां पे जरूरत कम है, जरूरत कहाँ पे है, आप चौराहों को खड़े करो ना, सेक्टरों में अंदर आप पुलिस फोर्स करो, ताकि उससे वुमेन अपने आप को पावर्ड एम्पावर्ड फील करेंगे, उनको लगेगा हाँ पुलिस खड़ी है तो क्राइम ऑब्वियस कम होगा। हम क्या करें, हमारा वीवीआईपी कल्चर है, एक बंदे को हम 20 या 25 गार्ड दे रहे हैं, उससे ये सोल्यूशन हल नहीं होंगे, उससे बेटर ये है हम हर सेक्टर वाइज 5-5, 6-6 बंदों की टीम बना के पुलिस वालों को आगे लेके आए, वो वहाँ पे ड्यूटी करें, तो जो क्राइम करने वाला होगा वो उसके मन में भी थोड़ा डर होगा, यार यहाँ पे भी पुलिस खड़ी है, यहाँ भी पुलिस खड़ी है, तो ऐसे क्राइम कम होगा, ना कि ये भी हम एक बंदे को 20 सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। आप किसी भी सरकारी दफ्तर में चले जाओ, इतने बंदे वेले बैठे हैं पुलिस वाले, तो काम थोड़ी कर रहे हैं, उससे क्या हो रहा है, सिस्टम को सैलरी तो दे रहे हैं लेकिन हमारी सिटी क्राइम फ्री नहीं हो रही ना, क्योंकि वो जनरल पीपल में तो आ ही नहीं रहे, जनरल पीपल को पुलिस प्रोवाइड करेंगे तो ही तो क्राइम कम होगा, इस वजह पे हम ध्यान ही नहीं दे रहे। तो मेरी प्रायोरिटी यही रहेगी कि सेक्टर वाइज, कॉलोनी वाइज, कॉलोनीज में अच्छी फैसिलिटीज देके प्रॉपर टीम का अरेंजमेंट करके हर गांव में 10-15 गार्ड लगे हों। आपने कभी देखा, आप खुद कभी गांव में गए होंगे, आपने कभी देखा गांव में 10 या 15 पुलिस वाले कभी देखे आप? मैंने नहीं देखे आज तक, सिर्फ मैंने ये देखा ट्रैफिक पुलिस जरूर खड़ी है, वो भी क्या है, इनका बिजनेस है ना, पैसे आएंगे जनरेट करेंगे, तो यार जो जनता है उनका कौन करेगा आगे, ध्यान कौन देगा, वो पुलिस वाले ही करेंगे, तो प्रॉपर टीम बनाने की जरूरत है हर सिस्टम में, हर थोड़े 1 या 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस सिक्योरिटी खड़ी होगी तो ही हम क्राइम फ्री कर सकते, और जो वुमेन है अपने आप को ज्यादा सेफ फील करेंगे। तो अंत में जनता से क्या अपील करना चाहेंगे कि वो आपको वोट क्यों दे? जनता से मैं बस यही कहना चाहूंगा, युवाओं को मौका मिलना चाहिए, अगर युवा जनरेशन आगे आएगी वो फील्ड में आके काम करेंगे, सिर्फ कागजी काम नहीं होंगे, जो युवा होता है उसके अंदर पैशन होता है किसी चीज को करने का। आज मैं यंग हूँ, मैं भाग सकता हूँ, कहीं भी जा रहा हूँ, सारी कैंपेनिंग मैं खुद कर रहा हूँ। जो बड़े बड़े लीडर आप देखते हैं वो सिर्फ आगे मैसेज पास करते हैं, उनके पास क्या है, खुद तो जाते नहीं वो, तो यंग क्या है, यंग कर सकता है, अगर मैं आज काम करूंगा फिर ही मेरे को पता मैं दोबारा लोगों का साथ पा पाऊंगा, इसीलिए मैं बढ़ चढ़ के काम करूंगा, प्रॉपर युवा टीम बना के आगे काम करेंगे, लोगों का देश का भलाऊंगा। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ एक युवा योगेश डिंगरा जी, जिनका कहना है कि
अगर ये सत्ता में आए तो ये यहाँ की सिक्योरिटी पर खासतौर से बुजुर्गों, महिलाओं और अपने युवा के लिए काम करेंगे। कैमरामैन चंद्र प्रकाश के साथ अर्थ प्रकाश टीवी के लिए नदीप गौतम की रिपोर्ट। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थ प्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।